वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक आप सब भाई लोगों को, दोस्तों को ये तो पता चल ही चुका होगा कि सालार यूएसए के अंदर बहुत बड़ी रिलीज होने जा रही है। जो यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर है वो रोजाना ही कोई ना कोई पोस्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये भी थिएटर है, ये भी थिएटर है, यहां भी सालार लगेगी, यहां भी सालार लगेगी, ये सारे थिएटर्स हैं, ये सारे थिएटर्स हैं। तो भाई सालार बहुत बड़ी रिलीज है यूएसए के अंदर, जिसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी अभी 25 अगस्त, यानी कि 2 दिन के बाद। तो कहां कहां एडवांस बुकिंग स्टार्ट है, सालार कितनी बड़ी रिलीज है यूएसए के अंदर, ट्रेलर कब आने वाला है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। अभी जब मैंने गाइस ये सारी चीजें देखी ना कि सालार यूएसए के अंदर इतनी बड़ी रिलीज है, इतने ज्यादा थिएटर्स इसको मिले हैं, इतनी लोकेशंस हैं, तो मेरे मुंह से लिटरली एक वर्ड निकला, वेरी डेंजरस मेरा भाई। मतलब वो जो टीजर में स्टार्ट में नहीं था, वेरी डेंजरस, वो वाला वेरी डेंजरस। अब गाइस क्या सीन है सब देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता चलूं, कल रात को ही यूएसए के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि भाई जो यूएसए के अंदर नेशनल चेन्स एएमसी है वो भी सारे थिएटर सालार के बुक हो चुके हैं। मतलब सालार गाइस एएमसी के जितने थिएटर्स हैं वहां पे भी रिलीज होगी। नाउ गाइस अभी साइनमार्क, मार्कस, रीगल, हार्किंग, इमेजिन, एमजीआर, गैलेक्सी एंड नाउ एएमसी, ये गाइस टोटल 8 नेशनल चेन्स बनती हैं। जैसे गाइस इंडिया के अंदर नेशनल चेन्स हैं पीवीआर, आइनॉक्स, सैनपोलिस, इसी तरह ये गाइस हैं यूएसए की। मैं एक बार फिर बताता चलूं, साइनमार्क, मार्कस, रीगल, इमेजिन, एमजीआर, गैलेक्सी एंड एएमसी, अभी तक गाइस इन 8 नेशनल चेन्स में सालार रिलीज होगी। अब सीन गाइस पता है क्या है कि अगर साइनमार्क है ना, तो साइन मार्क के यूएसए के अंदर जितने भी थिएटर्स हैं, मतलब जितनी भी लोकेशंस हैं, सब के सब पे सालार रिलीज होगी। मार्कस के जितने भी गाइस लोकेशंस हैं सब पे रिलीज होगी। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो साइन मार्क की यूएसए के अंदर 315+ लोकेशंस हैं, 315 से ज्यादा लोकेशंस हैं सिर्फ साइन मार्क की, और इन सारी की सारी लोकेशंस पे सालार रिलीज होगी। रीगल 450 से ज्यादा लोकेशंस हैं, सब पे सालार रिलीज होगी। नाउ एएमसी जो सबसे बड़ा थिएटर, अगर मैं उसको बोलूं तो गलत नहीं होगा, जो जिसके कल रात को अनाउंसमेंट आई है, इसके हैं जी 564+ लोकेशंस, और इन सारी लोकेशंस पे सालार रिलीज होगी। यूएसए का जो सबसे गाइस पहला पोस्टर आया था, कितनी थी लोकेशन, 1789 या जितनी भी थी, मतलब मैं तो 2000 ही मानता हूं, वो कंफ्यूजिंग नंबर है, भूल जाता है, 2000 लोकेशन पर नॉर्थ अमेरिका में सालार ने रिलीज होना है। तो ये वही है, साइन मार्क 315, रीगल 450, एएमसी 564, और अब भी तो गाइस और हैं, मतलब गैलेक्सी का नहीं पता, एमजीआर का नहीं पता, इमेजिन का नहीं पता, हॉकिंग का नहीं पता, मार्कस का नहीं पता, ये गाइस वो हैं जिनकी भी लोकेशन 300, 400, 500 हैं। तो खुद देख लें कि भाई सालार कितनी बड़ी रिलीज होने जा रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी 2 दिन बाद जो एडवांस बुकिंग ओपन होगी वो इन सब में ओपन होगी, साइन मार्क, मार्कस, रीगल, आर्किंग, इमेजिन, एमजीआर, गैलेक्सी, एएमसी, इन सारों में लिमिटेड जगह पे एडवांस बुकिंग, लिमिटेड लोकेशंस पे एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर करता चलूं, अभी ये जो 25 तारीख को एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी, ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सालार की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उसमें एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी। यस, फिर तेलुगु के बाद स्लोली स्लोली ये लोग हिंदी में एडवांस बुकिंग ओपन करेंगे एंड सो ऑन गाइस चलता जाएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अभी 25 तारीख को जब तेलुगु में एडवांस बुकिंग ओपन होगी इन नेशनल चेन्स में, तो गाइस ये नेशनल चेन्स आईमैक्स में भी एडवांस बुकिंग ओपन करेंगी। तो भाई बहुत बड़ी क्रेजी, मैं बोल रहा हूं क्रेजी लेवल का रेस्पॉन्स मिलने वाला है। शर्त एक है, मूवी कमाल हो। अगर मूवी कमाल हुई, ऑडियंस को क्लिक कर गई, तो ये जितनी लोकेशंस है ना मेरा भाई, आप लोग एक बार हिल जाओगे। देखिए मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं तो आजकल जवान की ओवरसीज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई हुई है, जिसकी मैं आपको डेली गाइज बता रहा हूं एडवांस बुकिंग। तो फिलहाल गाइज जवान की अगर मैं आपको यूएसए से एडवांस बुकिंग बताऊं तो 110,000, 1,10,000 डॉलर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है 302 लोकेशन से। कितनी?
302 लोकेशन से, और इधर साइन मार्क सिर्फ एक नेशनल चेन थिएटर में ही 315 लोकेशन हैं सालार को, तो बाकी तो छोड़ दो, तो खुद देख ले सालार कितनी बड़ी लेवल की भाई साहब रिलीज होने जा रही है। खैर अगर मैं बात करूंगा इस ट्रेलर की, तो जो न्यूज है फिलहाल वो यही है कि 3rd of September को हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा, और इस ट्रेलर की अनाउंसमेंट है इस 25 तारीख को। अब देखिए अगर ट्रेलर 3rd September को आने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि मेकर्स 25 तारीख को अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि 25 तारीख को ओवरसीज यूएसए की एडवांस बुकिंग ओपन होनी है। अगर मेकर्स ट्रेलर की अनाउंसमेंट कर देंगे तो यूएसए की जो एडवांस बुकिंग है उसको रीच कम मिलेगी, मतलब सबकी नजरें चली जाएंगी ट्रेलर की तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि 25 तारीख को अनाउंसमेंट होने वाली है। अनाउंसमेंट ये लोग करेंगे मे बी 28th of September, 28th of August, 29th of August, 28, 29, 30 तारीख तक, अगर तीन को रिलीज करना है। मे बी गाइज ये लोग 1st of September को अनाउंसमेंट करें, लेकिन 25 तारीख को अनाउंसमेंट करना ट्रेलर की मुझे इसमें कोई खास सेंस नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो जिस दिन 25 तारीख को एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो हर जगह पे एडवांस बुकिंग के बारे में ही बताया जाएगा कि यहां से ऐसा रिस्पॉन्स, यहां से ऐसा रिस्पॉन्स। यस गाइज, तो खैर आप लोग मुझे बताएं सालार की डे वन की ओवरसीज कलेक्शन कितनी होने वाली है, क्या वो 50 करोड़ से ज्यादा होगी या और ही ज्यादा होगी, नीचे बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और अगली आने वाली मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।